किसान भाइयों, भरपूर रासायनिक खाद डालने के बाद भी जमीन की घटती पैदावार का मुख्य कारण है जमीन में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होना। जब तक जमीन में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, तब तक आप चाहे कितनी ही रासायनिक खाद डालें, फसल अच्छी नहीं होगी और हाँ, जमीन बंजर भी हो सकती है। इसलिए अपने खेतों में डालिए इंद्रधनुष खाद, जिसमें है भरपूर ऑर्गेनिक मैटर। इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद से मेरे खेतों में होती है भरपूर फसल। सरकारी मान्यता प्राप्त इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद जमीन में ऑर्गेनिक तत्व बढ़ाए, किसान को भरपूर पैदावार दिलाए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। आज thesadaknama.com की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। इस समय मैं मौजूद हूं राजस्थान के साथ लगते हल्का एलनाबाद में और मैं मौजूद हूँ गाँव काशी का बास में और करीब 1900 मतदाता हैं इस गाँव के। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बेशक जो फसली सीजन है वो चरम पे है और जो किसान है वो इन दिनों अपने फसल की जो कटाई है वो कर रहा है और जो गेहूं है उसको बेच रहा है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो चुनावी चर्चा में भी मशगूल है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 12 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर के thesadaknama.com की जो टीम है वो गांव-गांव जा रही है। हम गांव के मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं कि गाँव में चुनाव को लेकर क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि ये एलनाबाद हलका है जहां से विधायक हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अभय सिंह चौटाला है, उनका हलका है ये और इसकी सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। सिंचाई की बात करूं या पीने के पानी की जो बड़ी समस्या है वो इन गाँव में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पीने का पानी है वो मोल ले करके पीते हैं। ये मामला विधानसभा में उठा था और उसी को लेकर के आज मैं इस गांव में मौजूद हूं। काशी का बास गांव है ये, मैं गांव के लोगों से चर्चा करता हूं। सर, क्या नाम है सर आपका? सावराम जी। तो क्या करते हैं सर आप? मैं तो रोड सा ही काम करूं, कभी बड़दार उड़ जाऊं कभी किन्नी उड़ जाऊं। किसान है? किसान को नहीं, खेत में बढ़नी को देनी। चुनाव को लेकर बात करें तो क्या माहौल है आपके गाँव में? चुनाव में माहौल बढ़िया है। हाँ जी, कांग्रेस की तरफ पूरा माहौल है। हाँ जी, हाँ जी। तो 1900 मतदाता हैं आपके गांव के, तो कांग्रेस को डिवीजन वाइज अगर अलग अलग पार्टियों की बात करें तो कितना का वोट अलग अलग पार्टी को जाएगा, क्या मुद्दे हैं आपके? 1/2 भाग वोटों का कांग्रेस को आ सकता है सारी पार्टी को छोड़कर। तो मुद्दे क्या हैं आपके इस इलाके की, मुद्दों की बात? मुद्दे तो मेन तो पानी का है जी, नहरी पानी भी नहीं है और पीने पानी की बड़ी संकट है जी। आपका क्या नाम है सर? सुधीर बगड़िया। तो आप जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने जो ये मुद्दा है कभी उठाया या पीने के पानी की व्यवस्था वगैरह करवाई कभी? नहीं, उन्होंने उठाया क्या, वो बहुत उसके बाद आए नहीं है। लोगों की कोई बहुत सी समस्या है, मौके के वो विधायक हैं लेकिन उनका हमें कोई फायदा नहीं मिला है और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फायदा नहीं मिला है। जैसे अब गेहूँ की सिंचाई है, ना कोई तोल लग रहा है ना कोई हो रहा है, किसान है वो बहुत ही समस्या के अंदर फंसे हुए हैं। तो क्या नाम है जी? हनुमान जी। तो हनुमान जी, आप खेती बाड़ी करते हैं? करांगे। तो क्या इस बार जो झाड़ है वो फसल का कितना कराया गेहूं का? 60 मन के लिए हुई है जी। तो अच्छा, तो पानी की व्यवस्था क्या है किसानों को सिंचाई की? ट्यूबवेल लगा रखी है, नहर का पानी नहीं है, नहर का पानी नहीं है ना, पीना पानी। नहर का पानी किसानों को मिल जाए तो फिर इसमें जो आवक है वो बढ़ जाएगी आपकी? हाँ, जरूर बढ़ेगी। कितना फर्क पड़ सकता है? घड़ो फर्क पड़ जाए, नहर को ही होगा, खारा पानी धना दे को नहीं है। डबल हो सके। तो और चुनावी मुद्दे क्या है, चुनाव को लेकर क्या माहौल है चुनाव की बात करने को? चुनाव आप कह सकते, कोई कांग्रेस हो गया, मैं इनोल्व हुआ, आप बात है। हाँ, सुल्तान नाम है जी। जी, तो आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी करता हूँ। तो कैसी है फसल इस बार? फसल ठीक है सर जी। तो क्या मुद्दे हैं, बड़ी समस्या क्या है आपके गाँव की? समस्या सर जी, किसान हैं हम, मतलब फसल बेचते हैं, वो ऑनलाइन सरसों पहले आए थे यहाँ सर्दियों में, वो एक मैडम आती थी सर, वो ऑनलाइन करके ले गई सरसों, किसी की फसल ऑनलाइन हुई नहीं, बहुत दिक्कत है जी सर। अब भी फार्म पड़े, सरसों बेचने को दिक्कत आ रही है? दिक्कत है सर, कणक में भी अब दिक्कत है, कणक ले नहीं रही है, आड़ती ले नहीं रही है, सरकार कहती है 1400 लेंगे, मतलब कल भी यहाँ बंद थे, मतलब कोई ट्रक वगैरह नहीं लगे तोल वगैरह। चुनाव को लेकर क्या माहौल है, चुनाव का भी मौसम चल रहा है साहब? ठीक है सर, वोट कांग्रेस को देंगे हम तो। मेरा नाम सूरजाराम है। तो आप क्या करते हैं सर? खेती बाड़ी कर रहा हूँ। तो पानी मिलता है किसानों को पूरा? तो माने माड़ो ही मिले, मिले तो है पर माड़ो ही मिले। अच्छा। और जमींदार में तो हाँ, तो बड़ा दौरा के साथ आपका इलाका लगता है, तो कई सरकार की नजर पड़ी आप पे? घनी मारा अच्छी पड़ी है, बड़ो फायदो दिया सरकार। हाँ,
राजस्थान की सरकार बनी है, नहीं बड़े बड़े फायदे। हरियाणा की सरकार की नजर पड़ी आप पे, राजस्थान के साथ लगता इलाका है। हरियाणा तो मार दिया माने सरकार है। हाँ ठीक है भाई साहब, कह नहीं भाई बात में तो बटी कर। बलराम नाम है जी। तो आप भी खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते। तो क्या मुद्दे हैं, बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की? समस्या पानी की है जी, सारा गांव की। और क्या समस्या? पानी पीना रही कौन जी मारा तो? पीने का पानी? हाँ पानी पीना रही कौन? तो फिर पानी कहाँ से पीते हैं किसान? पानी ट्यूबवेल लगा रहे, खारा पानी पिया। अच्छा पीने का पानी भी खा रहा है? पीरा पानी खा रहा है जी। और क्या है, चुनाव को लेकर क्या मोल है? ठीक है मोल मिल जाए, सारा सही है, चले जाए। आप बताइए। हाँ जी मेरा नाम है कृष्ण कुमार कोंट जी। समस्या तो ये बीजेपी है ना, ये जुमलेबाजी पार्टी है, इसमें कोई नहीं, कोई हमारे गांव में कोई कुछ नहीं है। वोट तो दे देंगे, 100-150 वोट आ जाए 1900 वोट में से। अच्छा बीजेपी को कितने वोट आएंगे? 100-150 वोट। हाँ बाकी मान तो बीजेपी उजाड़ के छोड़ दिया, बीजेपी नहीं देश है ना, अच्छी बात है। अरे ये मायत कह रहे हैं नहीं बीजेपी को वोट नहीं जाएंगे, इन लोग को जा जाएंगे, जेजेपी को जा जाएंगे, बाकी इन लोग बीजेपी को नहीं जाएंगे वोट, 100-150 वोट जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारे गांव की बात है और तो आगे की बात है। सर आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? उनता राम जी। तो खेती बाड़ी करते हैं हम भी? हाँ खेती करा। तो अगर पानी की बात करें, सिंचाई के पानी की, तो सिंचाई का पानी किसानों को मिल रहा है पूरा? पानी तो काली पानी बाघड़ा हो तो मैं देखा को नहीं, वो काली पानी आवा है ओ किंगे बाप को रोक के रुके को नहीं जी, ऊपर बस वही है। वैसे अगर ट्यूबवेल के पानी की बात करें तो पानी खराब है? ट्यूबवेल है ही, सगले एरिए में खराब है। जो ये अन्य बनवाल बीजेपी का, उसने इलाहाबाद के लिए नहीं मोगा स्पेशल लगवा दिया, हमारे गांव 5 गांवों का पानी काट के ना पवन बनवाल ने स्पेशल इलाहाबाद को पानी दे दिया, हमारे को काला पानी आता है, भागड़ा पानी। आपके गांव का पानी क्यों काट दिया? सरकार है की कर सके, सरकार में रहते हैं उनका पावर है। हमारी नहर के ऊपर पक्की सड़क बनवा दी, हमें नहर खोदा नहीं, मट्टी के पक्की बनवा दी। पवन सिंह मन बहुत अच्छा लगे ना, कहने अच्छा लगे मन तो। सर आपका क्या नाम है जी? नाम तो मुखराम है मेरा, मुखराम। आप क्या करते हैं सर? आप करा जमींदार हो सैन बाबा, जमीन बी चौधरी की वो बैठे थार साहब बात करोगे। हाँ जो मोदी से नाराज है कौन? हाँ हाँ मोदी से निराज है, ठीक है। अपन जी को निराज मार, क्या मोल है चुनाव को लेकर बात? बढ़िया है, 30 वोट है 30 मोदी ने देंगे, 30 वोट है मार के 30 मोदी ने देंगे। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसे ही है बस, पिछले ये सर अब ये सही। तो इस सरकार ने आप कह रहे हैं गांव में काम भी नहीं किया, किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा, और जो उसके बाद पीना पानी की कमी रह गई है माड़ी मोटी, गाड़ियों पानी बफर है लोगों। तो कौन सा पानी मिलता है किसानों को? काली पानी मिले, वो गगर नदी का जो सिल्टी युक्त पानी है, जो जिसे जिसे कैंसर होता है, वही है कैंसर ही होगी, गंदो पानी है लगा शिविर को पानी आओ सर। तो चुनाव को लेकर क्या मोल है सर? चुनाव की बात कांग्रेस देगा वोट, आपके गांव में दूसरी पार्टियों को कितने वोट मिलेगा? अगर सुनीता दुग्गल की बीजेपी की बात करें, 15 दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बात करें तो, सर दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बात करें तो उनको भी वोट मिलेगा आपके गांव में? मिलेगा कि तो पंचायत मिलेगा पंचायत नहीं मिलेगा पंचायत। अच्छा है पर क्या? क्या नाम है सर? उनताराम है जी मेरा नाम। तो क्या मोल है चुनाव को लेकर बात करें तो? चुनाव को मोल जी किसान वर्ग मोदी सरकारों के खिलाफ है, पहली मुआवजा तरफ काट लियो सारा कानून दियो को नहीं महीने तय धरना। आपको मुआवजा मिला है अपने फसल खराबे के? मुआवजा तो मिलियो, अब कणक सरसों कटे गिरा कोई कोनी, बाकी मारा को अट्ठा वजह को विधायक चुनियो, अरे एक आदुग ले वा लुगावड़ी खड़ी कर दी कि करमगी कोनी जी, मारे बीच में आ गए सौ आदमी आमा कि मैं थर कनाऊंगी, मैं थर साथ धरनों दूंगी, मुर्गे फोन कौन से क्या 5 लाख रुपया देना कर दिया, बाकी लोगों को मार तो काम शुरू छू कांग्रेस ही हो रटकर कांग्रेस हो प्रभाव हो, बाकी लहर लाच का 15 लाख और जांच और काला धन और वो नहीं और ले बैठे जी, मैं ही लालच में आ गया। अच्छा, तो आप लालच में आपने भी बीजेपी को वोट दिया? सारा ही दे दिया सर। हाँ 15 लाख रुपए के लिए सारा गांव, सारे गांव ने वोट दिया? गांव लगभग सारा गांव ही दियो, कोई एक ही घर मान लो बच्चों को तो देखे बैठे हो लोग खेता राम उतने बैठे हो, बाकी लगभग है ना सारा लोग बीजेपी ने। तो 15 लाख नहीं आए? कौन आए जी की कौन आए, और अब बुरा हालात हो रहे हैं, अब सरसों तुल्या नहीं, कणक तुल्या नहीं, कोई मतलब सिस्टम रहे ही कौन, सारो
मामले झगड़े बड़े मैं मारी सागी जहाँ पुठे आ गया। अब क्या मोल है चुनाव को लेकर? अच्छा है कांग्रेस यही गांव में तो लगभग सारा गिनती का ही वोट आवा दूसरी पार्टियां ने। देखो जी कांग्रेस ही कांग्रेस नहीं देवांगा मान तो जो को मोदी जी धोखो दियो है देश नहीं मारने को नहीं सारा देश ने धोखो दियो और एक नारो का अच्छे दिन आने वाले और हम भी ये बोल रहे हैं अच्छे दिन कुछ चले गए कुछ जाने वाले हमारी ये अच्छे दिन कुछ चले गए और अगर मोदी आ गया तो और चले जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हम इनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपका क्या नाम है जी? आप राय दे दो अपनी बारे में धर के रहे मौका पर सोचना का पहले सोचता तू कह दियो कर दिया की है जगह थारा मन में वो बता दियो तो मेरा जी कर दे। जो वादे सरकार ने किए थे वो अपने वादों पे खरा उतरी सरकार? मेरे तो यार की दिमाग में आओ कोई सुन सी हो रही है। ये थे मेरे साथ इससे काशी का बास गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी जो राय है वो भी बाकी के साथ रखी और खास बात ये भी है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो इलाका है जो राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है जहां पे किसानों को सिंचाई और पीने के पानी की खासी दिक्कत है। बेशक ये मामला विधानसभा में उठा है लेकिन किसानों की समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।